हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक इंडियन घर। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शाशलिक। ये बहुत ही टेस्टी स्टार्टर है। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। आधा किलो बोनलेस चिकन, जिसे हमने छोटे पीसेस में काट लिया है। कुछ सब्जियां भी यूज की है हमने, शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, इसे भी छोटे पीसेस में काट ले। येलो शिमला मिर्च, इसे भी काट ले। लाल शिमला मिर्च, इसे भी छोटे पीसेस में काट ले। प्याज, इसे हमने इस तरीके से काट लिया है। टमाटर, इसके बीज निकालकर हमने इसे छोटे पीसेस में काट लिया है। दो अंडे, नमक स्वाद अनुसार, एक टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दो से तीन चुटकी गरम मसाला पाउडर, आधा कटोरी दही, 3 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून रेड चिली सॉस और ब्रेड क्रम्ब। ये बहुत आसानी से मिल जाता है आपको मार्केट में। वुडन स्टिक, इसे हमें 15 मिनट तक पानी में भिगो के रखना है। सबसे पहले हमें चिकन के मैरिनेशन का मसाला बनाना है। इसमें डालें दही, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, रेड चिली सॉस, सोया सॉस और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन के पीसेस। इसे मिला ले। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हम ये मैरिनेशन को आधे घंटे तक रखेंगे। आधे घंटे तक रखने से मसाला भी अच्छी तरीके से लग जाएगा और जब हम ये चिकन को डीप फ्राई करेंगे तो इसे गलने में भी बहुत आसानी होगी। चिकन मैरिनेशन को आधा घंटा हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे सारी सब्जी, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे स्टिक में लगाएंगे। सबसे पहले टमाटर डालेंगे हम, फिर चिकन, शिमला मिर्च, फिर चिकन, सॉरी प्याज,
चिकन, लाल शिमला मिर्च और फिर येलो शिमला मिर्च। आप अपने हिसाब से लेयर्स बनाएं। इस तरीके से हम सारी स्टिक्स में लगा लेंगे चिकन और सब्जियां। स्टिक्स पे हमने मैरिनेटेड चिकन और सब्जी लगा ली है। ब्रॉड बर्तन में हमें दो अंडे निकाल लेने हैं। इसे फेंट लेना है। देखो फेंट लिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा पानी। और इसे मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे स्टिक। इसे अच्छी तरीके से डिप कर लेंगे, इसीलिए हमने ब्रॉड बर्तन लेने को कहा है। और फिर हम इसे ब्रेड क्रम में रखकर ब्रेड क्रम सूखे हाथों से लगाए। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ब्रेड क्रम और अंडे की लेयरिंग कर देना है। सो फ्रेंड्स, इसकी लेयरिंग भी हो चुकी है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। पैन में हमने पहले ही तेल को गर्म करने रख लिया है। अब हम एक एक करके स्टिक्स डालेंगे इसमें। और जब स्टिक्स डाले तो ध्यान रखें कि गैस फ्लेम स्लो रहे। इसे चम्मच ना लगाए, एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई होने दे और फिर हम इसे पलटाएंगे। मीडियम आंच पे हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसे टर्न करके देखेंगे। ये अच्छी तरीके से एक साइड से पक चुका है। अब दूसरी साइड से भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। चिकन जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी क्योंकि हमने इसे मैरिनेट करके रखा था आधा घंटे के लिए। दूसरी तरफ से भी हम इसे चेक कर लेंगे। वाव, इसे कितना अच्छा कलर आया है और ये अच्छी तरीके से पक भी चुकी है, तो हम इसे निकाल लेंगे। टिश्यू पर निकाले। ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोक कर ले। और इसी तरह हम सारी चिकन शाशलिक को फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, रेडी है चिकन शाशलिक। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।